चलो तो अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे इक्वेशन ऑफ वैल्यू, इक्वेशंस ऑफ वैल्यू। पता है क्लास में और एक चीज क्या होता है कि समझ में आता है कि बाकी लोग कितना स्पीड में कर रहे हैं और हमारा क्या स्पीड है। जब तक तुम्हारा बाकी लोग का स्पीड के संग मैच नहीं होता ना, तब तक तुम लोग को बार 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 प्रैक्टिस करना चाहिए। घर पे टाइम है, घर पे प्रैक्टिस करो, घर पे प्रैक्टिस करके फिर क्लास में आओ, फिर पीछे हो जा रहे हो, फिर प्रैक्टिस करके फिर क्लास में आओ, फिर पीछे हो जा रहे हो, फिर प्रैक्टिस फिर क्लास में आओ, फिर पीछे हो जाओ, फिर प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस करना है बार बार। भाई पूरा खेला ही तो प्रैक्टिस का है, ठीक है। चलो ये इक्वेशन ऑफ वैल्यू का टॉपिक है, कुछ है नहीं इसमें। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। अब मेरा बात करता हूं, ध्यान सुनना एक मिनट, सब लोग इधर ध्यान देगा, ठीक है। अब पेन नीचे रख दो, जो लिखने का था मैंने लिखवा दिया, ठीक है। आज है हम लोग का मेन कैलकुलेटर का काम। सिलेबस ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का ये है कि आपको इंटरेस्ट रेट देगा, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना आना चाहिए, जो हम लोग पिछला 7 क्लास से करते हुए आ रहे हैं। आज के क्लास का ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू दे देगा तो क्या हम लोग कैलकुलेटर से इंटरपोलेट करके इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ये आज के क्लास का ऑब्जेक्टिव है। अब सुनो ध्यान से, एक बार कैलसी हाथ में ले लेना। मान लेते हैं 1000 रुपए का पेमेंट है 5 साल के बाद में, डिवाइड करते 1.08 to the power 5 से, बताओ कितना आ रहा है। 1000 divided by 1.08 to the power 5, हाँ क्या 680.5, जो भी 5.5, ठीक है 680.5। इसका मतलब यह है कि अगर मेरे को 5 साल के बाद में 1000 रुपए चाहिए तो आज कितना रुपए लगाने के लिए रेडी है, 680, समझा। दिस इज व्हाट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो का कॉन्सेप्ट। तुम आज जो अपना पढ़ाई पे इन्वेस्ट कर रहा है, तुमको लग रहा है ना कि फ्यूचर में से कैश फ्लो आएगा, तो सब लोग एक ही इक्वेशन पे चलता है। बट मार्केट का इंटरेस्ट रेट समझना बहुत जरूरी है। 8% का मैंने डिस्काउंट रेट लिया, डिस्काउंट रेट बोलूंगा या फिर इंटरेस्ट रेट बोलूंगा, मतलब इंटरेस्ट रेट ही बोल रहा हूं। रिस्क डिस्काउंट रेट मतलब आई, क्योंकि रिस्क डिस्काउंट रेट का मतलब क्या होता है, जो टानने का जो रेट है उसमें रिस्क को इनकॉर्पोरेट किया गया है। तुम पैसा गवर्नमेंट को तो दे नहीं रहे, तुम पैसा दे रहे मान लो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को। अभी मैं खुद सोचा हूं, जैसे मान लो पहले मैं क्या करता था, HDFC के संग फिक्स डिपॉजिट करता था, मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में पैसा डालूंगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक में पैसा डालूंगा तो वो सेफ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, नाम है स्मॉल लेकिन है बहुत बड़ा, नाम है स्मॉल है बहुत बड़ा, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, ज्यादा थोड़ा इंटरेस्ट मिलता है, मतलब रिस्क का इनकॉर्पोरेशन किया गया है। वो लोग को लगता है ना भाई HDFC बैंक जितना बड़ा तो हम है नहीं, तो हम थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट देंगे तब ना लोग मेरे से अट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, और उसके पास लोन लेने कौन सा लोग आएगा, जो लोग को HDFC बैंक रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि सेफेस्ट ऑप्शन इंसान के पास में क्या, HDFC बैंक, लोग सोचते हैं वहीं जाएंगे। फिर अगर मान लो वहां बोलते नहीं भैया हमारे हमारा क्रेडिट रिस्क के हिसाब से आपका आपका लोन नहीं हो पाएगा, फिर हम जाएंगे NBFC लोग के पास में, जहां मेरे को इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, वहां थोड़ा रेगुलेशन थोड़ा इज आउट जहां पर होता है, ठीक है। देखो अब इसका मतलब क्या चीज समझो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो। तुम आज उतना ही रुपया देगा जितना तुमको फ्यूचर में मिलेगा। अब एक हम लोग और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में 10% का ब्याज मिल रहा है, 5 साल का बॉन्ड है, 5 साल का बॉन्ड है, लगाया 10,000 रुपया, 10,000 रुपया लगाया तो आउटफ्लो, ठीक है, 10% का ब्याज है तो टाइम वन पे कितना ब्याज मिलेगा, जल्दी जल्दी बताओ। 1000, टाइम टू पे कितना मिलेगा, 1000, और टाइम फाइव पे कितना मिलेगा, 11,000। 1000 रुपया उसका और पैसा भी तो वापस मिलेगा ना, ठीक है। अब तुम मान लो तुम इसको 10% पे अगर टानता है, 10% पे अगर तुम इसको टानता है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 10% पे अगर तुम इसको टानता है तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा, 10,000। अरे भाई 10% पे टान रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा, 10,000 ना, क्योंकि 10,000 रुपए लगाया, 10% का ब्याज के जैसे पैसा मिला, 10,000 का 10% कितना होता है, 1000 और पैसा वापस, तो 10% से टानेगा तो प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा, सेटिस्फेक्शन तुम लोग आ नहीं रहे, टेबल बुक पे आ जाओ, तो क्या होगा, 1000 A5 + 10,000 V to the power 5, 1000 A5 + 10,000 V to the power, फटाफट कैलकुलेटर में करो, टेबल बुक में आ जाओ, फटाफट देख के बताओ कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है ना। मन को संतुष्टि दे दो, पहले सबसे पहले मन का संतुष्टि जरूरी है, मन को संतुष्टि दो। सब लोग ऑनलाइन में लिखेगा यस नो, सब लोग लिखेगा फटाफट से, मन का संतुष्टि कर लो पहले फटाफट। हाँ 10,000 आ रहे हैं ना। अब तुम लोग से क्वेश्चन ये पूछते हैं, अगर मान लो 8 पे टानेंगे या फिर 12 पे टानेंगे तो क्या होगा, 10,000 से ज्यादा कम, जल्दी बताओ, पहले 8 का बताओ, पहले 8 का बताओ पहले सेटिस्फाई कर लो, 10,000 आ रहा सबका, कुछ करने नहीं थे, A5 का वैल्यू देखना, टेबल बुक से A5 का वैल्यू देखेंगे और V2 का वैल्यू देखेंगे, ठीक है।
ठीक है, कितना है तुम लोग का, 10,000 आ रहे हैं ना इसका। तो बोलने का मतलब ये है, अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट 10% का है तो इस बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा, अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट 10% का है तो इस बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा, 10,000। ठीक है, अब मान लेते हैं मेरे को चाहिए 8% का रिटर्न, मान लेते हैं मेरे को चाहिए 8% का रिटर्न, और तुम्हारा नाम क्या है, विनती। ठीक है, तो विनती बोल रही है उसको चाहिए 12% का रिटर्न, मेरे को चाहिए 8% का रिटर्न। अब देखते हैं कि हम या फिर विनती में से कौन ये बॉन्ड बाय करेगा और किसका एक्शन में आएगा नॉट बाय, ये हम लोग को डिसीजन मेकिंग करना है। ठीक है, अरे कोई भी चीज हम तब खरीदेंगे जब मेरे सबसे सस्ता होगा वो चीज। ठीक है, अब देखो मेरा बात सुनो, सब लोग कुछ करो मत यार इतना, 8% का रेट है। ठीक है, 8% का रेट है, तो 8% का रेट के हिसाब से पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। बट पहले एक फील तो आ रहा होगा मन में, 8% का रेट है तो फील तो मन में आ रहा होगा कि प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा, 10,000 कम ज्यादा, ज्यादा, अरे ज्यादा ना, रेट को कम करेंगे तो वैल्यू तो ज्यादा आएगा ना, क्योंकि हल्का टन रहा है सर, हल्का टन रहा है मतलब कैसी में आओ, 1/1.1, 1/1.02 किसमें प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगा, फटाफट चेक करो, 1/1.1 मीन 0.9 समथिंग, एंड इसमें कितना रहा, 0.9909, और यहां कितना रहा, 0.9980, किसमें ज्यादा आ रहा है, इसमें ज्यादा आ रहा है ना, तो रेट कम वैल्यू ज्यादा, रेट ज्यादा वैल्यू कम, सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, प्राइस एंड यील्ड, यील्ड डिक्रीजेस प्राइस इंक्रीजेस, यील्ड इंक्रीजेस प्राइस डिक्रीजेस, बहुत सिंपल है। अरे फील लो ना यार, फील लो, फील लो, ये जो बॉन्ड है ये कूपन छोड़ रहा है 10% के हिसाब से, मान लेते हैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 10,000, मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं नॉमिनल वैल्यू वो होता है जिसपे कूपन मिलता है, नॉमिनल वैल्यू वो होता है जिसपे कूपन मिलता है, मार्केट वैल्यू इज डिफरेंट, एट टाइम्स वी कैन अज्यूम दैट मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू, बट हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, नॉमिनल वैल्यू वो होता है जिसपे कूपन रेट मिलता है। ठीक है, मार्केट वैल्यू विल फ्लक्चुएट बट नॉमिनल वैल्यू विल रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब मेरा बात को ध्यान सुना, ये देखो, ये देखो, इस पे ध्यान देना, ठीक है, इस पे ध्यान देना, यहां ये चीज हुआ, मैं वही आपसे पूछ रहा हूं कि जब 8 पे टानेंगे, कम रेट पे टान रहे, यील्ड डिक्रीजेस मतलब प्रेजेंट वैल्यू विल इंक्रीज, तो तुम कुछ मिलेगा तुमको जो क्या होगा, 10,000 होगा, 10,000 से कम ना, 10,000 से ज्यादा, ज्यादा 10,000 से ज्यादा मिलेगा ना, सॉल्व करो एक बार कितना आ रहा है, 8% का टेबल बुक में जाकर सॉल्व करिए फटाफट से, A5 का वैल्यू देखिए, 1000 से मल्टीप्लाई प्लस 10,000 का वैल्यू, 10,000 इंटू V2 का 5, बताओ कितना आ रहा है। जानवी साहू जी बोल रही है वॉइस इज नॉट कमिंग, इज माई वॉइस ब्रेकिंग, सब लोग फटाफट से प्लीज चैट बॉक्स पर रिप्लाई कीजिए, वॉइस इज क्लियर, नो इट्स फाइन, वॉइस इज क्लियर, वॉइस इज क्लियर, जानवी साहू जी द प्रॉब्लम इज एट योर एंड, चेक इट आउट, ध्यान दो, तो 8 पे कितना आ रहा है, सम अपना क्या चल रहा है, 10 पे आया 10,000, 8 पे कितना आ रहा है, हाँ 10,000, ठीक है चलो 12 पे फटाफट से निकाल लो, 9,279, तुम्हारा नाम क्या बोली थी तुम, विनती को चाहिए 12%, तो विनती ने क्या किया, फ्यूचर के सारे कैश फ्लोस को, भाई ये सब कोई नहीं सिखा सकता सर, आप एरोगेंट हो रहे हैं, नहीं सिखा सकता भाई, नहीं आता ही नहीं है, नहीं सिखा सकता, 12% चाहिए विनती को, ठीक है, 12% के हिसाब से उसने क्या किया, सारा फ्यूचर कैश फ्लो को टाना, जितना भी सारा फ्यूचर कैश फ्लो को टाना, ठीक है, टान लिया, तो टानने के बाद में विनती के हिसाब से इस बॉन्ड का दाम कितना होना चाहिए, हाउ मच प्राइस इज विनती विलिंग टू पे टूडे इन ऑर्डर टू रिसीव 1,000, 1,000, 1,000, 1,000 and 10,000, माने 5 बार 1,000 और 1 बार 10,000 लेने के लिए फ्यूचर में विनती को आज कितना रुपए शी इज विलिंग टू पे, 9,279, करेक्ट है, बट इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज 9,400 और 9,100, सो इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज 9,400, द एक्शन विल बी नॉट बाय बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव,
The return requirement will not be met, and if the market price of the bond is 9,100, the bond is cheap and the trade will be done, right? The bond is cheap, ठीक है? The bond is trading cheap, ठीक है ना? And the action will be buy. समझ गया ना? तो इस तरीके से डिसीजन मेकिंग होता है. आप सुनो, एक तो होता है मार्केट डिस्काउंट रेट, तो मार्केट डिस्काउंट रेट के हिसाब से ये निकल रहा है, और एक होता है तुम्हारा अंदर का इच्छा. तुम्हारा अंदर का इच्छा क्या बोलता है? तुम्हारा अंदर का इच्छा बोलता है मेरे को इस रेट पे समवट चाहिए, ठीक है? तो वो अब देखना पड़ेगा कि भाई मार्केट जो कर रहा है और तुमको उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? नहीं तो और भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है. समझ गया ना? अब कोई एफडी में लगा के खुश है, कोई म्यूचुअल फंड में लगा के खुश है. मेरे को म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, मेरा पैसा बना, लेकिन उतना अच्छा नहीं बना. मैं म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल के पीएमएस में डाला. अब नेक्स्ट स्टेप इज कि मैं और रिस्की स्ट्रेटेजी में डालूंगा, एआईएफ में डालूंगा. आई लव टेकिंग रिस्क, मेरे को पता है डाउनसाइड क्या है उसका. तो बेसिकली वही बात बता रहा हूं ना, इन्वेस्टर का रिस्क प्रेफरेंसेस अलग अलग होगा, सबका फटने का लेवल तो अलग है ना. तो अगर कोई चाहता है, कोई गोल्ड में, कोई बोलता है हम फिजिकल देखना चाहते हैं पैसा को, तो वो घर से निकलने से पहले तिजोरी खोलता है देखता है, फिर घर में घुसने का तिजोरी खोलता है देखता है, ठीक है? बोलता हम बैंक में पैसा नहीं देखा, हमको डर लगता है भैया. बिछाता है गद्दा के नीचे पैसा और सोता है उस पर, ठीक है? उसको उसमें सुकून मिलता है, ठीक है? सो बेसिकली ये डिसीजन मेकिंग अपने को समझना था, ठीक है? देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड यील्ड, ठीक है? अब आइए, चलिए आइए, अब आगे बढ़ते हैं. जैसे मान लो, अब ये देखना, ये जीरो है, ठीक है? ये टाइम फाइव है और ये टाइम टेन है, ठीक है? यहां 60 मिलेगा, यहां 60 मिलेगा और यहां 100 रुपया लग जा रहा है. इसका इक्वेशन क्या बनाएंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, यस और नो? 60 बी टू द 10, है ना? अब इंटरपोलेशन तो आएगा बाद में. जब इंटरपोलेशन नहीं दरकार है, नेसेसरी नहीं है, तो हम लोग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाएंगे. श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्या बोलता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है ना? अब यहां पर क्या करना है, v टू दी पावर 5 को तुम ले लो a, तो तुम्हारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? 60a प्लस 60a स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 0. तो a x स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, 60a स्क्वायर प्लस 60a माइनस 100 इज इक्वल टू 0. तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो यहां पर a कितना है बताओ, b कितना है बताओ, c कितना है बताओ? सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है. ये v टू दी पावर 5 का मतलब क्या है? 5 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर. 5 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर, एक बात याद रखना, नेगेटिव नहीं हो सकता है. तो तुम्हारा दो वैल्यू आएगा, तुम प्लस माइनस है ना, तो ऑब्वियस बात है प्लस में ही तुम्हारा ज्यादा वाला वैल्यू आएगा, तो प्लस लेके सॉल्व कर लो, ठीक है? वो वाला तुम्हारा फाइनल आंसर नहीं होगा, वो वाला जो आंसर आएगा फिर तुमको उसको इक्वेट करना पड़ेगा 1 प्लस आई टू दी पावर माइनस 5 से. 1 प्लस आई टू दी पावर माइनस 5 से इक्वेट करेगा, तब जाके वहां से तुम्हारा आई आएगा, ठीक है? क्योंकि v टू दी पावर 5 इज ए ना. बोल, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए. क्या आ रहा तेरा? तू माइनस वाला क्या? और एक दो आंसर आएगा ना, 0.88 आ रहा है ना, तो दैट इज इक्वल टू वी टू दी पावर 5. वहां से आई सॉल्व कर, क्योंकि वी टू दी पावर 5 को ए लिया है ना. जहां श्रीधर आचार्य से सॉल्व होगा क्वाड्रेटिक से, वहां उससे सॉल्व करेंगे. लीनियर इंटरपोलेशन से अप्रोक्स आंसर आता है, एक्यूरेट आंसर नहीं आता है. ना
कर क्या हुआ? नहीं, 0.024 नहीं आएगा। इक्वेशन में दिक्कत हो रहा है क्या? 100 मेरा आउटफ्लो लग रहा है, 60 रुपए मिलेगा 5 साल बाद और 60 रुपए मिलेगा 10 साल बाद, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर रहे हैं। एक 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 चेंज लगाए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वी टू दी पावर 5 को मैंने ए माना है, तो 60a प्लस 60a स्क्वायर माइनस 100 इज 0, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। दो आंसर आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, अभी ए का आंसर आया ना, 0.8844। अभी पहले जो आंसर आया वो ए का आया, ठीक है, तो अपने करेंगे 1 प्लस i टू द पावर माइनस 5 इज 0.8844। अब इसको सॉल्व करिए यहां से, इसमें लॉगरिदम ले लीजिए, ठीक है, लॉगरिदम लेके i का वैल्यू सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? नेगेटिव आ ही नहीं सकता है। लॉग लो ना बेटा, लॉग लो, सॉरी लॉग लेने का दरकार है क्या? लॉग लेने का दरकार नहीं है, ठीक है, मैं कर देता हूं, 1 प्लस i टू द पावर माइनस 5 इज 0.8844 आ रहा है, सो 1 बाय 0.8844 इज 1 प्लस i टू द पावर 5, ठीक है, तो 0.8844 टू द पावर माइनस 1 बाय 5 माइनस 1 इज i। कितना रहा बताओ? हाँ, ए का वैल्यू 60 कब से आ गया? कितना आ रहा है इंटरेस्ट रेट? 0.024 0.024 86, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आया? अब एक क्वेश्चन करेंगे जहां हम लोग लीनियर इंटरपोलेशन लगाएंगे, कॉपी हो गया एला? ध्यान देना 10 मिनट और, ये लो कॉपी हो गया सबका, अब ध्यान दो। 80a5 प्लस 1000v टू द पावर 5 इज 900, ठीक है, मेरे को इंटरेस्ट रेट के लिए सॉल्विंग करना है, ठीक है, कैलकुलेटर में देखो, लाल में देखो तुमको दिखेगा, ए बाबा कैलकुलेटर देना मेरे को फटाफट दे, फेक 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 फेक, कैलकुलेटर में देखो लाल में दिखेगा, कैलकुलेटर में देखो लाल में दिखेगा तुम लोग को, कैलकुलेटर में लाल में दिखेगा तुम लोग को, क्लोज ब्रैकेट के ऊपर एक्स दिखेगा, ठीक है, सो 81 माइनस, सुनो आई सॉल्व करना है ना, उसको मैं एक बार एक्स मान के चल रहा हूं, 1 माइनस 1 प्लस x टू द पावर माइनस 5 बाय x, फिर प्लस 1000 बाय 1 प्लस x टू द पावर 5, सो दिस इज 900, ठीक है। अब ध्यान देना कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एक मोड बोल के बटन होगा कैलकुलेटर पे, ध्यान देना सब लोग मेरे साथ साथ, सब लोग मेरे साथ साथ, कैलकुलेटर में एक मोड बोल के बटन होगा, तो मोड वाला बटन में दबाएंगे, फिर COMP स्टैट टेबल 3 दबा के टेबल मोड में आएंगे, तो fx पूछ रहा है, मतलब बोल रहा है x का इक्वेशन को पूरा फीड कर दीजिए, ध्यान देना मैं कैसे कैसे बोला वैसे वैसे ही करना, सबसे पहले 80 टाइप करो, 80 फिर इनटू टाइप करो, फिर ब्रैकेट ओपन करो, फिर टाइप करो 1 माइनस, फिर दोबारा से ब्रैकेट ओपन करो, फिर 1 प्लस α दबा के क्लोज ब्रैकेट, तो देखो x आ जाएगा, अल्फा दबा के क्लोज ब्रैकेट करेंगे तो x आ जाएगा, फिर दोबारा से क्लोज ब्रैकेट, फिर x टू द पावर माइनस 5, फिर राइट बटन से नीचे आओ, दोबारा से बोल देंगे कोई दिक्कत नहीं है, fx इक्वेशन दोबारा से बोल रहे हैं, 80 फिर इनटू ब्रैकेट ओपन 1 माइनस, फिर दोबारा से ब्रैकेट ओपन 1 प्लस α दबा के क्लोज ब्रैकेट, फिर दोबारा से क्लोज ब्रैकेट, फिर x टू द पावर वाला बटन माइनस 5, फिर राइट एरो दबा के नीचे उतरेंगे, फिर दोबारा से क्लोज ब्रैकेट,
फिर एबीएस के नीचे एक बटन है, एबीएस के नीचे एक बटन है, वो बटन दबाएंगे डिवाइड हो जाएगा पूरा, पूरा में डिवाइड आना चाहिए, पूरा में डिवाइड आएगा, जो प्रॉपर ब्रैकेट दिया उसी का मैं पूरा में डिवाइड आएगा। नीचे में भी दोबारा से अल्फा दबा के क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि नीचे में एक्स है, फिर दोबारा से राइट एरो दबा के बीच में आएंगे, फिर प्लस दबाएंगे, फिर टाइप करेंगे 1000, फिर एबीएस के नीचे वाला बटन ब्रैकेट ओपन 1+ अल्फा दबा के क्लोज ब्रैकेट, फिर दोबारा से क्लोज ब्रैकेट टू दी पावर 5। पूरा इक्वेशन पहले ढंग से फिट कर लो, पूरा इक्वेशन पहले ढंग से फिट कर लो, सबका हुआ? पूरा इक्वेशन पहले ढंग से फिट कर लो, पूरा इक्वेशन पहले ढंग से फिट कर लो, ठीक है? नहीं वो नहीं करना है, ठीक है? पूरा इक्वेशन पहले फिट कर लिया, अब हम लोग ये वाला फिट कर लिया और इसके लिए खोजना है, ठीक है? इक्वल टू दबाओ, इक्वल टू दबाने से क्या पूछ रहा है? पूछता है स्टार्ट, तो स्टार्ट अपन करेंगे 0.01 से। एक बार में कैलकुलेटर 20 वैल्यूज इंटरपोलेट करके देता है, तो एंड करेंगे 0.2 में, फिर इक्वल टू दबाएंगे, स्टेप पूछ रहा है, स्टेप डालेंगे 0.01 का। स्टेप का मतलब होता है कितना कितना गैपिंग में चाहिए, मेरे को चाहिए 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, ऐसे करके मेरे को चाहिए, ठीक है? तो स्टेप डालेंगे 0.01 का और फिर इक्वल टू करेंगे। कुछ गड़बड़ हुआ मेरा में, मैं देख रहा हूं एक बार, इक्वल टू स्टार्ट, अच्छा एंड नहीं टाइप किया, 0.2, फिर स्टेप डालेंगे 0.01 का, ठीक है? अब देखो कैलकुलेटर में बहुत सारा वैल्यूज इंटरपोलेट करके आ जाएगा, कैलकुलेटर में बहुत सारा वैल्यूज इंटरपोलेट कर, दिक्कत सिर्फ उसी को होगा जो कैलकुलेटर का वीडियो नहीं देखा अभी तक, ठीक है? अब देखो तुमको 900 खोजना है, तुम जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे करेगा, तुम जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे करेगा वैसे वैसे तुम्हारा कम होता जाएगा। 900 खोजो किसके किसके बीच में है, 900 खोजो किसके किसके बीच में है, अपने को चाहिए 900 आएगा एक्स परसेंट पे, ठीक है? यहां पर आ रहा तुम्हारा 924.18, ये आ रहा तुम्हारा कितना पे, 10% पे आ रहा है, और एक आ रहा तुम्हारा 889.12 आ रहा है, ये आ रहा 0.11 पे, ठीक है? अब ध्यान देना, मतलब मेरे को इतना तो पता चल गया है कि 10 और 11 के बीच में आएगा, ठीक है? अब पहले बोर्ड पे ध्यान देना और कैलकुलेटर को छेड़ना बंद करो। ये है तुम्हारा fx, ये है तुम्हारा x, ये है तुम्हारा x1, ये है तुम्हारा x2, ये है तुम्हारा fx2, ठीक है? और ये है तुम्हारा fx1। अब ध्यान देना, लीनियर इंटरपोलेशन का फॉर्मूला होता है x-x1 / x2-x1 इज fx-fx1 / fx2-fx1, ठीक है? ये लीनियर इंटरपोलेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है? अब यहां पर तुमको सब कुछ पता है, खाली एक चीज नहीं पता है, क्या नहीं पता है, x। तो एक तो यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं कैलकुलेटर वाला दिखाना चाहता हूं कैसे कर सकते हैं। एसी दबाओ, एसी दबाने से क्या होगा, दोबारा से इक्वेशन आ जाएगा। अब पूछ रहे स्टार्ट, अब मेरे को पता है 0.1 से स्टार्ट करना है, अब मैं स्टार्ट करूंगा 0.1 पे, एंड करूंगा 0.11 पे, स्टेप डालूंगा 0.001 का, क्योंकि अब मेरे को कैसा चाहिए, मेरे को चाहिए 10%, 10.1%, 10.2%, ठीक है? बारीकी से देखना है, एंड करेंगे 0.11 पे, स्टेप डालेंगे 0.001 का। अब और बारीकी से देखो किसके किसके बीच में आ रहा है, अब और बारीकी, डेसिमल के बाद 2 से 3 बार इंटरपोलेशन करेंगे, और बारीकी से देखो किसके किसके बीच में आ रहा है, अब तुम्हारे को मिलेगा 10.6 और 10.7 के बीच में, अब तुमको मिलेगा 10.6 और 10.7 के बीच में, दोबारा से करेंगे इंटरपोलेट 10.6 और 10.7 के बीच में, एसी दबाएंगे, अब स्टार्ट करेंगे तुम्हारा 0.106 से, स्टार्ट करेंगे तुम्हारा 0.106 से, एंड करेंगे 0.107 में, स्टेप डालेंगे 0.001 का, ठीक है? स्टार्ट करेंगे 0.106 से, एंड करेंगे 0.107 में, स्टेप डालेंगे 0.001 का, ठीक है? डेसिमल के बाद 2 बार करने से मोटा मोटी अपने को आंसर मिल जाएगा, ठीक है? अब देखो कितना आ रहा है, 900.49, 900.14, अब देखो 899.800 एंड 900.14, तो बगल वाला कौन सा है, बगल वाला कौन सा है, 900.14 है ना, 900.14 बगल वाला है, तो अपना आंसर क्या आएगा, अपना आंसर क्या आएगा, 10.68%, 10.68% इज द आंसर, 10.68% इज द आंसर, 10.68% इज द आंसर,
10.68% इज द आंसर, 10.68% इज द आंसर, ठीक है, सेम आएगा। इसको कॉपी करो और एक सम देंगे, वो खुद से करेगा, आंसर आ जाएगा, फिर टेस्ट देगा। आओ, यही सेम क्वेश्चन रहेगा। अब अपने कर रहे हैं 80A5 प्लस 1000V5 इज 1100, ठीक है, इंटरेस्ट रेट सॉल्व करके दिखाओ। चलो चालू करो, बहुत सिंपल है, सेम प्रोसेस से सॉल्व करो, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। सर, हाउ डू वी नो फ्रॉम विच वैल्यू टू स्टार्ट एंड विच वैल्यू टू एंड वाइल इंसर्टिंग द इक्वेशन इन द कैलकुलेटर? अरे वही तो मैं बता रहा हूं ना, स्टार्टिंग में 0.01 से लेके 0.2 में करेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि किसके किसके बीच में आ रहा है। सिंपल है एकदम। कितना आ रहा है इसका? हाँ, 5.65%, ठीक है, ठीक है,
5 मिनट का ब्रेक है, ठीक है, और फिर हम लोग टेस्ट करेंगे। सब लोग लैपटॉप लेके रेडी रहना, ठीक है। और ऑनलाइन में भी बेसिकली टेस्ट लाइव हो जाएगा, तो ऑनलाइन के विजेता अलग अनाउंस होंगे और ऑफलाइन के विजेता अलग अनाउंस होंगे। प्राइज मनी है 1100 रुपए का, ऑनलाइन के अलग और ऑफलाइन के अलग, ठीक है। तो टेस्ट का ड्यूरेशन है 1 घंटा, जो अभी सबमिट करेगा वही प्राइज मनी का हकदार होगा, ठीक है। जैसे 5 मिनट का ब्रेक है, आप लोग 15 मिनट खाना खा लो, ठीक है, उसके बाद आप लोग के टेस्ट लाइव हो जाएंगे क्यू फोरम पे भी और डैशबोर्ड में भी। किसी को अगर कोई भी दिक्कत आती है टेस्ट देने में तो वो फिर कॉन्टैक्ट कर सकता है इस नंबर पे, ठीक है, 8100598543। मैं टेस्ट को लाइव करवा दूंगा अभी से 15 मिनट में, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।